श्रीमद् भगवत गीता का सार यही है कि मनुष्य को भौतिक वस्तुओं का उपयोग करते समय उनके प्रति आप आसक्त अर्थात फल के भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे सब तो नश्वर हैं और एक न एक दिन नष्ट होने ही हैं। अगर आसक्त होना ही है तो उस परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म के प्रति होइए, जिसने कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा है और न ही छोड़ेंगे। वे सदैव आपके साथ हैं, आप में विद्यमान हैं। 30वां श्लोक, न च शक्नोमि वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्थात मैं अब यहाँ और अधिक खड़ा नहीं हो सकता, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा दिमाग घूम रहा है। हे केशी दानों के मोक्षदाता, मुझे केवल बुराई ही दिखाई देती है। मीनिंग आई एम नाउ अनेबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर, आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ and my mind is reeling. I foresee only evil, O killer of the Keshi demon. The summary of Bhagavad Gita emphasizes that the essence is that while using material things, one should not get attached, that is, indulge in the enjoyment of fruits towards them, because they are all mortal and one day they must be destroyed. If you have to be attached, then be towards that Supreme Father, the Supreme Lord, who has never left your side and will never leave. He is always with you and is present in you. Thank you.